बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हुई है। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 15 मौजूदा मंत्रियों को टिकट दिया गया है। वहीं खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से डॉक्टर बीडी कल्ला, झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह ओला, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरेवास, मानसूर से शकुंतला रावत, दीप कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारीलाल मीना, लालसौट से परसारी लाल मीना, निबाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट, अंता से प्रमोद जैन भाया, कोटपुतली से मंत्री राजेंद्र यादव, साचौर से सुखराम विश्नोई, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामनिया फिर से चुनाव मैदान में हैं। और लगातार हम आपको विश्लेषण के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये सूची कितने बदलाव के साथ उतरी है और कितने पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया है। 15 मंत्रियों को उतारा गया है। पहली सूची की बात करें तो पहली सूची में 5 मंत्रियों को उतारा गया था, यानी कि अब तक कांग्रेस की ओर से 20 मंत्रियों पर फिर से दाव खेला गया है। वहीं इस सूची में अगर अन्य नामों को भी खंगालें तो फिर कुछ पुराने चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा बदलाव ना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा फिर से जताया है। कल एक सूची जारी की गई थी 33 नामों के साथ, अब 43 नामों की दूसरी सूची। कांग्रेस पार्टी ने कुल 76 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी की ओर से 124 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। बीजेपी से तुलना अगर कांग्रेस की सूची की जाए तो फिर बीजेपी ने नए चेहरों पर दाव खेला है। पहली सूची को देखें तो पहली सूची में नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा बदलाव ना करते हुए पहली और दूसरी सूची को निकाला है। यह भी बताया जा रहा है कि सूची में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक रहे विधायकों को भी इसमें तरजीह दी गई है। लगातार टेलीविजन पर हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं वो उम्मीदवार और जिन सीट से उन्हें उतारा गया है। अब इंतजार है दोनों ही पार्टियों की ओर से तृतीय सूची जारी करने का, क्योंकि यहां तो स्कोर बराबर हो गया है दोनों पार्टियों का। देखिए दो दो सूचियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन सीटवार देखें तो अभी कांग्रेस ने 76 सीटों पर तो वहीं बीजेपी ने 124 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको लेकर के पहले संशय बना हुआ था, लेकिन फिर उन पर भरोसा जताया है, प्रयोग किया गया है। 43 नामों की दूसरी सूची जिसमें प्रयोग का मिश्रण, संशय का मिश्रण, लेकिन अधिकांश दारोमदार पुराने चेहरों पर। कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको लेकर के लगातार संशय था और जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर निर्दलीय के बाद बीते विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को, उन्हें भी पार्टी ने टिकट दिया है। चाहे हम बात स्वयं लोढ़ा की करें या बाबूलाल लागर की करें, और जो पुराने चेहरे हैं उनमें 15 मंत्री हैं। देखिए 15 मंत्रियों को जगह दी गई है, चाहे बी डी कल्ला हो या फिर रफीक खान, जो पुराने चेहरे, परसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा को जगह, विश्वेंद्र सिंह मंत्री हैं पर्यटन, इसके अलावा अन्य नाम भी इस सूची में चौंकाने वाले भी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए
ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, हम सूची को जब खंगाल रहे थे तो पहली सूची को लेकर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को लेकर के ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। दूसरी सूची को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दूसरी सूची में भी जैसा मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिकेशन दिया था कि किसी का विरोध नहीं है, और सचिन पायलट ने कहा मेरा भी किसी का विरोध नहीं है, तो उसी के अनुरूप अगर आप सचिन पायलट खेमे के नाम देखो तो सुरेश मोदी का नाम है यहाँ पे, बिजेंद्र ओला का नाम है। इससे पहले पहली जो सूची थी उसमें भी उनके जो समर्थक थे मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया, इंद्राज गुर्जर है, इनके नाम थे, तो इस सूची में भी नाम है। और इसी कारण से अधिकांश अगर छाप देखे तो अशोक गहलोत की छाप भी इसमें नजर आ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि खासकर टिकट कटने को से जो एक विवाद होता है, बगावती जो तेवर दिखाए जाते हैं, कम से कम वो ना हो। और इसी कारण देखिए कि जो तमाम जो विधायक है उनको टिकट दी गई है, और किसी अगर उम्मीदवार की टिकट भी काटी गई, पुराने जो उम्मीदवार थे उनकी टिकट भी काटी गई तो उन्हीं के परिवार से दिया गया है। सफिया जुबैर की अगर हम बात करें, एकमात्र ऐसी टिकट है जो सिटिंग एमएलए की काटी गई है, महिला विधायक है लेकिन उनके उनके पति को टिकट देती है जुबैर को। इसके अलावा निरंजन आर्य को टिकट मिली है, पहले उनकी पत्नी को टिकट मिली थी। इसके अलावा रामेश्वर डूडी की जगह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। यानी कहीं उम्मीदवार पुराने उम्मीदवार को बदला भी है तो उनके परिवार से ही जो ये दिया गया है। टिकट काटने की जहां तक बात है तो टिकट काटना एक तरह से कह सकते हैं सिटिंग एमएलए या सिटिंग मंत्री, उनमें कोई टिकट नहीं काटी गई। एक सफिया जुबैर की टिकट कटी है लेकिन उनके पति को टिकट दी गई है। तो इस तरह से ये कोशिश की गई कि कम से कम जो बगावत है वो ना दिखे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बगावत तो नहीं दिखेगी इन विधायकों की क्योंकि सभी को टिकट मिल गया है, लेकिन जो उम्मीद लगाए हुए थे उनका रवैया क्या रहते हैं, वो किस तरह के जो तैयार करते अपना कदम। और इसके लिए जो हमें ये भी सूचना मिली है कि कांग्रेस जो है जल्दी एक डैमेज कंट्रोल कमेटी है उसका गठन भी करने जा रही है, क्योंकि लगता है कि आने वाली जो सूचियां है उनको लेकर कुछ अगर बवाल होता है, कुछ विवाद होता है तो इससे पहले कमेटियां बना ली जाए। तो यही कोशिश जो है वो की जा रही है, और हम जो लगातार अब तक की जो दो सूची है उसमें तो यही कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कम विवाद ना हो और विवाद से बचा जा सके, बगावत ना हो। लेकिन जिस तरह से पहली सूची के बाद में भी जो कांग्रेस के नेताओं के जो तेवर हमने देखे हैं और कुछ जगह विरोध भी हुआ है, और कुछ विरोध की आशंका के चलते अभी टिकट रोकी भी गई है, और जिस तरह से आज जो वित्त बोर्ड के जो अध्यक्ष है महेश शर्मा उनके उन्होंने इस्तीफा दिया है जो मालवीय नगर से टिकट के विरोध में, तो इस तरह की एक बार आपको रोकना चाहेंगे।